अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं तालिब हैदर और मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। मैदान अरफात में लाखों हाजियों का रूह परवर इज्तिमा। गुरूब आफ्ताब के बाद हाजी मुज़दलफा जाकर मगरिब और इशा की नमाजें साथ मिलाकर अदा करेंगे। इस्लाम दुनिया भर में दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। इमाम काबा शेख अब्दुल अजीज का खुतबा हज। मीना का जर्रा जर्रा दीन इब्राहिमी की अजमत का गवाह और दुआ खलील का वफादार है। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बयानात ने मीना में समा बांध दिया। पाकिस्तान में ईद की आमद आमद है। बकरों, गायों, बैलों के साथ सबसे ज्यादा बच्चे खुश हैं। आजकल गली गली अपने जानवरों के साथ सैर करते नजर आते हैं। ईद उल अज़हा अपने अजीजों के साथ मनाने के लिए मुल्क भर से लोगों का बसों के जरिए अपने आबाई इलाकों को जाने का सिलसिला जारी। गाड़ियों के किराए इस बार पिछली मर्तबा से ज्यादा हैं। मुसाफिरों का शिकवा। कराची में पुलिस की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 100 मुलजिमान गिरफ्तार, 37 मफरूर मुलजिमान भी शामिल। असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गई। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस को भी सेल्युलर कंपनियों के डेटा रिकॉर्ड तक रसाई दे दी गई। अबू जहाबी टेस्ट में हाशिम आमला ने शदीद गर्मी में पाकिस्तानी बॉलरों को हलकान कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बना लिए। बाणे सिर दिबाजी लग जावे, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। और गुलकारी में बदीन का नहीं कोई सानी। पाकिस्तान आइडल मुकाबले के लिए बदीन से आए नित नए फनकार।